अपन पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ द स्केपुला, स्केपुला का जब अपन फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि स्केपुला एक बोन होती है। आप इसके आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केपुला प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ह्यूमरस प्रेजेंट होते हैं। मतलब अपन जो शोल्डर होते हैं ना, शोल्डर के पीछे जो एक ट्रायंगुलर शेप की जो अपन को बोन नज़र आती है वो होती है स्केपुला। जो स्केपुला का जो फ्रैक्चर होता है ना, अपन को कभी कभी देखने को मिलता है, मतलब ये देखने को नहीं मिलता ज़्यादा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रैक्चर ऑफ द स्केपुला आर लेस कॉमन, ओके, एंड इज मोस्ट केसेस अनइम्पोर्टेंट बिकॉज पेशेंट रिकवर वेल विदाउट मच ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर है कि अपन उसको ट्रीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो अपनी स्केपुला प्रेजेंट होती है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी अपन को मसल्स देखने को मिलती है। तो मसल्स वहाँ पर सब जगह अटैच होने के कारण वो ज़्यादा डिसलोकेट नहीं होता है, और धीरे धीरे फ्रैक्चर होने के बाद धीरे धीरे वो खुद से रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मसल्स होती है इसलिए, और जहाँ पे कम मसल्स होगी तो वो फ्रैक्चर डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्केपुला कैन ब्रेक एट फोर साइड्स। जो ये स्केपुला प्रेजेंट होती है ना, वो फोर साइड से जो वो ब्रेक हो सकती है। एक तो होता है बॉडी, स्केपुला पे जो बॉडी होती है वहाँ से, नेक, स्केपुला पे जो नेक प्रेजेंट होती है वहाँ से, एक होता है एक्रोमियम प्रोसेस। इस पर यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस प्रेजेंट है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकती है स्केपुला। और एक ब्रेक हो सकती है कोराकोइड प्रोसेस से, जो कि अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कोराकोइड प्रोसेस से ब्रेक हो सकती है, एक्रोमियम प्रोसेस से हो सकती है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नेक, नेक से भी ब्रेक हो सकती है, और उसकी बॉडी है वहाँ से भी ब्रेक हो सकती है। उसके बाद लिखा हुआ अपन ने देख लिया कोराकोइड प्रोसेस देख लिया। मोस्ट ऑफ्टन द फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेस्ड, ये अपन ने बोला ना कि अनडिस्प्लेस्ड बहुत कम होगा, बिकॉज द फ्रेगमेंट आर हेल्ड इन पोजिशन बाय द सराउंडिंग मसल्स, जो कि वहाँ पर जो काफ़ी सारी मसल्स होती है ना उस कारण। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, तो अपन इसका ट्रीटमेंट कराएंगे एक्टिव एक्सरसाइज से। तो अपन एक्टिव एक्सरसाइज इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो शोल्डर की जो मूवमेंट्स है, उसकी मोबिलिटी है, वो अपन वापस दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जब उसका पेन कम हो जाएगा ना, उसके बाद अपन एक्टिव एक्सरसाइजेस कराएंगे, और अपन उसको ट्रायंगुलर स्लिंग्स देंगे ताकि वो अपने जो स्लिंग्स देंगे जिससे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके अपन। फॉर द पीरियड ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, यूजअली 1 वीक टू 10 डेज तक अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे, इस यूजअली सफिसेंट। और इतना सफिसेंट है उसके उसको ट्रीट करने के लिए, उसके फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए, उसके पेन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है फ्रैक्चर ऑफ द स्केपुला, ये सब ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए अपन ने इसके नोट्स नहीं बनाया है। तो बस ये बुक में लिखा हुआ था, तो अपन ने थोड़ा सा देख लिया कि फ्रैक्चर ऑफ स्केपुला क्या है। तो जो स्केपुला होती है ना, वहाँ पर चार साइड्स अपन को दी हुई है, वहाँ से ये ब्रेक हो सकती है। एक तो नेक, बॉडी, एक कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस से ब्रेक हो सकती है, और इसमें कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की अपन को जरूरत नहीं पड़ती। बस ट्रायंगुलर स्लिंग्स दे दो, एक्टिव एक्सरसाइजेस करवा दो, क्योंकि ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। जो मसल्स वगैरह है इसके सराउंडिंग की, जो मसल्स है ना, वो उसके कारण ये अनडिस्प्लेस्ड रहता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ये ट्रीट हो जाता है अपने आप, ये रिकवर कर लेता है फ्रैक्चर।